Hello students, welcome to our current affairs class. In today's class, we will discuss some important current affairs of 12 September 2024. तो आज हम 12 सितंबर 2024 के कुछ important current affairs discuss करेंगे, जो किसी भी exam के point of view से काफी important current affairs हो सकते हैं. Clear? तो start करते हैं आज का session. So in today's session, आज के session में हम discuss करेंगे सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे. देन वी विल डिस्कस सम नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, कुछ बैंक और वित्तीय समाचार. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार, सम न्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट खेल समाचार, इंपॉर्टेंट डेज, कुछ पुस्तकें जो अभी रिलीज हुई है और उनसे रिलेटेड उनके लेखक और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, नियुक्तियां और इस्तीफे. उसके साथ साथ हम देखेंगे सम रैंक एंड रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कुछ सीकर सम्मेलन और सम्मेलन. उसके साथ साथ हम कुछ ऑब्चरी न्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली अभी न्यूज में और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है. और लास्ट में हम आज पूरे क्लास की समरी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट आज डिस्कस किया है. क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के सेशन में. सो स्टार्ट करते हैं. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. क्लियर? ओके. सो आर फर्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल न्यूज. UNGA, United Nations General Assembly, declares 6 July as a World Rural Development Day. तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में घोषित किया है. पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस 6 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा, ताकि 2030 तक जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास पर कार्यों में तेजी लाई जा सके. जो रेजोल्यूशन है वो इसको बांग्लादेश के थ्रू स्टार्ट किया गया था और आगे चल के भारत, नेपाल, पेरू, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड समेत बहुत सारे देशों ने इसे समर्थन किया. तो WRD वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे का उद्देश्य ग्रामीण विकास में चुनौतियों और अवसरों के प्रति वैश्विक ध्यान और प्रतिक्रिया को आकर्षित करना है. क्लियर? तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर साल हम अब नेक्स्ट ईयर से 6 जुलाई को सेलिब्रेट करेंगे और पहली बार 6 जुलाई 2025 को यह दिन मनाया जाएगा. नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज. IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अनाउंस थीम फॉर 2024 वर्ल्ड सेफ्टी एंड ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. सो अभी क्या है, 1 से 3 अक्टूबर 2024 को मोरक्को में जो WSOC है उसकी बेसिकली सम्मेलन होगा, उसकी मीटिंग होगी. तो IATA ने इसकी थीम की घोषणा की है कि जो 1 से 3 अक्टूबर तक मोरक्को में जो सम्मेलन होगा, रॉयल एयर मोरक्को द्वारा जो आयोजित किया जाएगा, उसकी थीम क्या रहने वाली है. तो उसकी थीम रहेगी नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना. तो अंतर्राष्ट्रीय वायु संगठन ने अपनी दूसरी विश्व सुरक्षा और संचालन सम्मेलन के लिए थीम की घोषणा की है, सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना. सो बेसिकली WSOC 2024 का आयोजन 1 से 3 अक्टूबर 2024 को मोरक्को में रॉयल एयर मोरक्को द्वारा किया जाएगा. सम्मेलन में 4 ट्रैंकों में 45 घंटे से अधिक के विशेषज्ञ सत्र होंगे, जो सुरक्षा, केबिन, उड़ान और संकटन प्रबंधन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे. क्लियर? इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संघर्ष, साइबर सिक्योरिटी और अत्यधिक मौसम जैसी चुनौतियों का समाधान करना, साथ ही 15 घंटे से अधिक के विशेष नेटवर्किंग अवसर प्रदान करना है. डन. नेक्स्ट इज
US government to partner with IIT Madras on research park of SC solar energy, green hydrogen, electronic vehicles, batteries and green building. So अभी दो organization है, US government और IIT Indian Institute of Technology Madras. इन दोनों के बीच में एक टाई अप साइन हुआ है ताकि ये दोनों पार्टनरशिप कर सकें, फोर ब्रॉड एरियाज में काम कर सकें, एनहेंस कर सकें, एक साथ आके रिसर्च, एकेडमिक और इंडस्ट्रीज दोनों कंट्रीज की क्या हो, बूस्ट हो. और किन फील्ड्स में काम करने के लिए टाई अप हुआ है? सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरीज एंड ग्रीन बिल्डिंग. सो दोनों देशों के शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योगों को एक साथ लाने के लिए साझेदारी इन क्षेत्रों में एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने का लक्ष्य रखती है. समर्पित कार्य समूह की स्थापना की जाएगी जो प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें अमेरिकी सरकार और IITMRP के सदस्य शामिल होंगे. अमेरिका तमिलनाडु को कूम नदी की सफाई में भी मदद करेगा, जिसमें चेन्नई के सिस्टर सिटी सैन एंटोनियो की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ सक्सेस इंप्लीमेंटेशन. PMKMY, जिस इज नोन एज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. तो अभी इसको बेसिकली पूरे 5 साल पूरे हो गए हैं. 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, बेसिकली जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 की निश्चित मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है. तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारतीय बीमा जीवन निगम के साझेदारी में संचालित यह योजना पात्र लघु सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 की निश्चित मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है. PMKMY एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य किसानों के बुढ़ापे में बेहतर आय सुनिश्चित करना है. यह योजना देश भर के किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक रही है. क्लियर? तो प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना. नेक्स्ट इज अभी रिसेंटली न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है जो 11 से 13 सितंबर तक चलेगा. कहां पर उद्घाटन किया गया इसका? इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में. सो भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित करता है यह कार्यक्रम और यह भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में भी स्थापित करता है. क्लियर? सो सेमिकॉन इंडिया 2024 जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में किया है. नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव हेल्थ कवर फॉर ऑल एज 70 एंड अबव. तो केंद्र मंत्रालय ने क्या किया है, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दे दी. अभी क्या होता था कि अगर कोई ज्यादा एजड है तो वो हेल्थ कवरेज नहीं ले पाता था. तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों को सभी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तार कर दिया है. तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इस योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है. इस पहल से लगभग 6 करोड़ व्यक्ति और 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा. योजना लाभार्थियों की आय की परवाह किए बिना है. तो याद रखना है आपको, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है. नेक्स्ट इज स्वच्छता ही सेवा है 2024 भारत में स्वच्छता के एक दशक का उत्सव. तो भारत स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है. एक पखवाड़े लंबे अभियान रोजमर्रा की जिंदगी में स्वच्छता के महत्व को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है. स्वच्छता ही सेवा अभियान 2017 से एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है. अभियान स्वच्छ भारत दिवस का अग्रत है जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के साथ मनाया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज न्यू स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल आइडेंटिटीज टू फिशरी इंडस्ट्री वर्कर्स. सो मत्स्य उद्योग के श्रमिकों को डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या स्टार्ट किया है, एक नई योजना स्टार्ट की है. तो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को बदलने के उद्देश्य से पहलों का अनावरण किया. राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम पोर्टल को मत्स्य उद्योग के श्रमिकों को डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था. यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है. डिजिटल पहचाने मछली श्रमिकों को संस्थागत ऋण प्रदर्शन अनुदान और जलीय कृषि बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगी.
क्लियर। तो न्यू स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल आइडेंटिटीज टू फिशर फिशरीज इंडस्ट्रीज वर्कर। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। बेसिकली बायो E3 स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो एक पॉलिसी आई है बायो E3 जिसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो भारत में उच्च प्रदर्शन जैव निर्वाह को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 स्कीम लॉन्च की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। नीति का ये जो पॉलिसी है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भारत का बायोटेक्नोलॉजी जो जैव विविधता सेक्टर है उसमें क्रांति लाना, उसमें बदलाव करना। बायो E3 का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। यह नीति उच्च प्रदर्शन जैव निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंच तैयार करती है जिससे भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में अग्रणी बन सके। क्लियर। तो बायो E3 पॉलिसी स्टार्टेड बाय बेसिकली अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन कैबिनेट। बायो E3 का नाम याद रखना, बायो से बायो टेक्नोलॉजी और ई से एक ई से एनवायरमेंट, एक से इकोनॉमी और एक ई से एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज मिशन मौसम। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने मिशन मौसम स्टार्ट किया है जिसका मेजरली पर्पस है एटमोस्फेरिक साइंस के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। सो मंत्रिमंडल ने 200 करोड़ के मिशन मोशन को मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ने 11 सितंबर 2024 को मिशन मोशन की मंजूरी दे दी है। इस मिशन का 2 वर्षों में लगभग 2000 करोड़ का बजट है। तो बजट कितना रहने वाला है इस मिशन का, 2000 करोड़ का। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित इसका उद्देश्य जो हमारा वायुमंडलीय विज्ञान में उसमें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। उसके साथ साथ यह पहल उन्नत अवलोकन प्रणाली, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को भी एकीकृत करेगी। क्लियर। तो मिशन मोशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसका पर्पस क्या है, बेसिकली इसका मेजरली पर्पस है जो एटमोस्फेरिक साइंस है जो हमारा वायुमंडलीय विज्ञान है उसके रिसर्च और डेवलपमेंट को और ज्यादा एनहेंस करना। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अभी हमने नेशनल न्यूज कवर करी है, नाउ आवर नेक्स्ट न्यूज इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो SBI लॉन्च न्यू 3 ऑफर्स टू इजी पेमेंट फॉर कम्यूटर्स। तो SBI ने यात्रियों के लिए भुगतान को आसान बनाने के लिए 3 नई पेशकश स्टार्ट की है। एक बार देख लेते हैं SBI ने कौन कौन सी नई पेशकश स्टार्ट की है जिससे जो भुगतान है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक ने 3 नई पेशकश लॉन्च की है इंक्लूडिंग MTS रुपे NCMC प्रीपेड कार्ड, वन व्यू मोबाइल एप्लीकेशन एंड SBI फास्टैग के लिए एक उन्नत डिजाइन। तो जो MTS रुपे NMC प्रीपेड कार्ड है ये NCMC सक्षम परिवहन प्रणाली जिसमें मेट्रो रेल बसें फेरी टोल और पार्किंग शामिल है के लिए एक सहज ऑफलाइन भुगतान समाधान प्रदान करता है बेसिकली। और वन व्यू मोबाइल ऐप ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म से अपने NCMC प्रीपेड कार्ड को टॉप अप ट्रैक और प्रबंधन करने की अनुमति देती है। और जो SBI फास्टैग है ये इसके उन्नत डिजाइन का उद्देश्य वाहन पहचान और टोल संग्रह दक्षता में सुधार करना है जिससे पूरे भारत में यात्रियों के यात्रा समय को कम किया जा सके। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। युद्ध अभ्यास एक बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 20वां एडिशन कहां पर कंडक्ट होने वाला है, राजस्थान में कंडक्ट किया जाएगा। तो पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है। तो ये भारत और USA के बीच में युद्ध अभ्यास फ्रेंडली एक्सरसाइज होती है जिसका 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड पर शुरू हुआ है। यह अभ्यास 22 सितंबर 2024 तक चलेगा और दायरे और जटिलता दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ष के अभ्यास में बढ़ी हुई सैनिक शक्ति और उन्नत उपकरण शामिल है जिससे भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा और अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व अलास्का स्थित 11वीं एयरबोर्न डिवीजन 124 बटालियन द्वारा किया जा रहा है। तो भारत की तरफ से राजपूत बटालियन और अमेरिका दल की तरफ से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन बटालियन।
इस अभ्यास का मेजर उद्देश्य रेगिस्तान वातावरण में संयुक्त आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के बीच में अंतर संचालनीय सौहार्द और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड फॉर 20th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास विल बी कंडक्टेड इन राजस्थान। तो 20वां जो संस्करण है वो कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? राजस्थान में कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो डिफेंस न्यूज। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स साइन ए एमओयू विद जीएसवी टू एनहेंस लॉजिस्टिक्स एक्सपर्टीज। तो जो लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ हैं या विशेषता है उसको बढ़ाने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने दोनों ने जीएसवी, व्हाट इज जीएसवी, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक टाइप किया है। तो नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल अनिल चौहान और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता आधुनिक लॉजिस्टिक संचालन के लिए आवश्यक इन हाउस ज्ञान और कौशल को विकसित करके लॉजिस्टिक विशेषताओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। यह राष्ट्रीय विकास रणनीति जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति एनएलपी 2022 और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के साथ भी मेल खाता है। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ डिफेंस न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 26,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 4240AL-31FP एरो इंजन। तो 240 एरो इंजन बनवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 26,000 करोड़। तो अनुबंधन पर हस्ताक्षर रक्षा मंत्रालय और HAL के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए, जिसमें सचिव गिरधर अरमाने और वायुसेना प्रमुख मार्शल VR चौधरी शामिल रहे। ये एरो इंजन ओडिशा के कोरापुट डिवीजन में होल द्वारा निर्मित किए जाएंगे। अगले 8 वर्षों में प्रतिवर्ष 30 इंजन की आपूर्ति की जाएगी। अनुबंधन का उद्देश्य डिलीवरी कार्यक्रम के अंत तक स्वदेशीकरण सामग्री को 63% तक बेसिकली बढ़ाना है। और जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की आत्मनिर्भरता का समर्थन करेगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 26 बेसिकली क्या बनाएगी? एरो इंजन्स बनाएगी, और जिसकी कॉस्ट कितनी होगी? 26,000 करोड़ होगी। डन। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो NSLP नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ नाइब लिमिटेड इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। तो जो NSPL है, नाइब लिमिटेड की सहायक कंपनी, वो भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नक्षत्र स्थापित करने के लिए तैयार है। घोषणा मुंबई में एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें डॉक्टर समीर वी कामंत और जयंत पाटिल सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। NSPL ने बेसिकली एक संघ के रूप में सहयोग करने के लिए प्रमुख भारतीय और वैश्विक बुनियादी ढांचों और रक्षा कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्सोटियम का लक्ष्य अगले 5 से 6 वर्षों में 40 लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स को एक समूह तैनात करना है, जो रक्षा और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी डिवाइस प्रोवाइड करेगा। डन। नेक्स्ट इज 6 न्यू जिंजर स्पीसीज डिस्कवर इन वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम में अदरक की 6 नई प्रजातियों को खोजा गया है बेसिकली। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के 2 वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम में अदरक की 6 नई प्रजातियों की खोज की है। प्रजातियों के नाम है ग्लोबा कार्निकोटा, ग्लोबा पश्चिम बंगालेसिस, ग्लोबा पालिमपारा, ग्लोबा तिरेनाइनसिस, ग्लोबा जनकिया और ग्लोबा यादवियाना। तो ये स्पीसीज हैं जो रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं। जो किस चीज की स्पीसीज हैं? न्यू स्पीसीज हैं जो डिस्कवर की गई हैं, अदरक की। इन खोजों से क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता में वृद्धि होती है और निरंतर वनस्पति अनुसंधान के महत्व को उजागर किया जाता है। निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका पाइटोटाक्सा में प्रकाशित किए गए। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज।
तो पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता प्रेरणा के नए चेहरे। सो भारत निर्वाचन आयोग ने पैरा ओलंपिक तीरंदाज सुश्री शीतल देवी और श्री राकेश कुमार की उपलब्धियों का जश्न मनाया। दोनों एथलीट को पेरिस समर पैरालंपिक 2024 में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नियुक्त किया गया है, आइकन एज अ फॉर डिसेबल्ड पर्सन। यह कार्यक्रम निर्वाचन सदन में और इसका उद्देश्य पूरे देश में मतदाताओं को प्रेरित करना था। क्लियर। तो दो पर्सनैलिटी याद रखनी है, शीतल देवी और राकेश कुमार। नेक्स्ट इज इंपोर्टेंट डे न्यूज। 15th हिमालय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 9th of September 2024 को। तो 2014 को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 9 सितंबर को हिमालयन दिवस के रूप में बेसिकली क्या किया था, मान्यता प्राप्त दी थी। तो तब से अब तक हम क्या मनाते आ रहे हैं, हिमालयन दिवस मनाते आ रहे हैं। सो हिमालयन दिवस, जिसे हिमालय डे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 9 सितंबर को पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तराखंड में हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसके पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। पहली बार 2010 में उत्तराखंड सरकार में बनाया गया था और ऑफिशियली 2014 से उत्तराखंड सरकार ने 2015 में आधिकारिक रूप से हिमालय दिवस मनाना शुरू किया। तो अनाउंसमेंट सबसे पहले 2010 में पहल रखी गई थी, 9 सितंबर 2014 को अनाउंस किया गया और 2015 से इसे मनाना स्टार्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट डे है 9 September 2024। Next is International Day to Protect Education from Attack. तो बेसिकली 5 सितंबर 2024 को शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का शिक्षा पर हमले से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि शिक्षा को संरक्षित करने और इसे हमले से बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन शिक्षा पर हमले से बचाने के लिए 5वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पालन का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 मई 2020 को इस दिन की घोषणा करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर 2020 को मनाया गया था। क्लियर। तो पहला कब मनाया गया था, 9 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024। तो सुसाइड के रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, जो बेसिकली कलंक है उसको कम करने के लिए हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2024 से 26 की थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, हस्तक्षेप और आत्मघाती विचारों वाले लोगों के लिए समर्थन के महत्व को यह दिन उजागर करता है। आत्महत्या रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ वैश्विक स्तर पर आत्महत्या रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को आयोजित करता है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। नेक्स्ट इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टर डे 2024, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024। तो 11 सितंबर को हम राष्ट्रीय वन शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्र के जंगलों, वन्य जीवों और जैव विविधता की रक्षा करते हुए अपने आहुतियों की प्राणी देने वाले व्यक्ति को लिए यह दिन क्या है, पूरी तरह से समर्पित है। क्लियर। 2024 की स्मृति इस दिन के महत्व को रेखांकित करती है, उसके साथ साथ यह पर्यावरण संरक्षण के लिए चल रहे संघर्षों को भी उजागर करता है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर न्यूज। सुशील कुमार शिंदे बुक लॉन्च टाइटल 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स। तो सुशील कुमार शिंदे की पुस्तक का विमोचन, जिसका शीर्षक क्या है, 5 दशक राजनीति में। तो नई दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंटर ने राजनीति में 5 दशक के लॉन्च की मेजबानी की। पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार रशिक किदवी द्वारा लिखी सुशील कुमार शिंदे के जीवन की आत्मकथा विवरण है। तो ये किसकी आत्मकथा है, सुशील कुमार शिंदे की, और इसको लिखा किसने है, रशीद किदवई ने। तो 200 पुस्तकों की पुस्तक, जिसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था, दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से सराही गई। इस कार्यक्रम को ताली और उत्साही नारों के साथ चिन्हित किया गया, जो शिंदे की राजनीतिक यात्रा का जश्न मना रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। सो होम मिनिस्टर अमित शाह यूनेनिमसली री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो केंद्र मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से राजभाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो he has been appointed as the chairman of the committee of parliament on official language।
अमित शाह ने 2019 से 24 तक इस पद को संभाला है और समिति का पुनर्गठन नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का उद्देश्य अन्य भारतीय भाषाओं के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना हिंदी की स्वीकृति को बढ़ाना है। नेक्स्ट इज आईएएस ऑफिसर मनीष कुमार गुप्ता अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 1991 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं मनीष कुमार गुप्ता, जिन्हें अभी अरुणाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे धर्मेंद्र की जगह लेंगे, जिन्हें दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। तो इससे पहले धर्मेंद्र इस पद पर थे, अभी धर्मेंद्र को कहां का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया, दिल्ली का, और उसकी जगह बेसिकली मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का न्यू सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभावी और वे प्रशासन और शासक में व्यापक अनुभव रखते हैं। नेक्स्ट इज नेपाल बिकेम 101st फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो बेसिकली जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जिसका लक्ष्य क्या है, टूवर्ड्स 1000, मतलब 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाय 2030। तो 1 अरब लोगों को स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच प्रदान करना और 1 टेरावाट सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना। तो इससे पहले इसमें 100 कंट्रीज थी और अभी 101वीं कंट्री कौन सी बन गई है, नेपाल। तो नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है और ये जो एग्रीमेंट था वो नेपाल के जो ऑफिसर थे सुरेंद्र थापा, उन्होंने न्यू दिल्ली में साइन किया। तो 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित आईएसए का उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करना है। तो 2015 में भारत और फ्रांस ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और अब इसमें 101 कंट्रीज मेंबर हो गए इंक्लूडिंग नेपाल। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंडिया टू होस्ट सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। 11 से 12 सितंबर को सेकेंड एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन के ऊपर शेड्यूल की गई है। कहां पर, न्यू दिल्ली में। इट इज ऑल्सो कोस्टेड बाय ICAO और नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा यह आयोजित की गई है। क्षेत्रीय संपर्कों को बढ़ाने पर इस मीटिंग में बेसिकली क्या दिया गया है, ज्यादा ध्यान दिया गया ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को और ज्यादा एनहेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज, रेन्यूड फिल्म स्कॉलर अरुण वासुदेव मदर ऑफ एशियन सिनेमा पास्ड अवे। सो बेसिकली अरुणा वासुदेव जो एक फिल्म स्कॉलर हैं, क्रिटिक्स हैं, फेस्टिवल क्यूरेटर हैं, पेंटर हैं, जिनकी 88 साल की उम्र में नई दिल्ली में डेथ हो गई, जिन्हें मदर ऑफ एशियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1988 में सिनेमाया द एशियन फिल्म कार्टियल नामक एक अग्रणी फिल्म पत्रिका शुरू की थी जो एशियाई सिनेमा में विशेषज्ञ रखती थी। उन्होंने 1991 में एशियाई सिनेमा के प्रचार के लिए नेटवर्क की स्थापना की और लगभग 20 वृत्त चित्रों का निर्देशन किया था। नेक्स्ट न्यूज इज अवार्ड एंड रिकग्निशन न्यूज, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024। 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। नर्सिंग के क्षेत्र में यह बेसिकली अवार्ड दिया जाता है, नर्सिंग के फील्ड में। नर्सिंग पेशेवर की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका को पुरस्कार उजागर करता है। समारोह देश भर के नर्सों की समर्पण और कड़ी मेहनत को भी श्रद्धांजलि बेसिकली देता है। तो नर्सिंग बेसिकली अवार्ड है, जो नर्स के फील्ड में उत्कृष्ट अपना योगदान देती हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, जो अभी 11 सितंबर को 2024 में द्रौपदी मुर्मू के थ्रू ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट किया गया। क्लियर। ओके, नाउ सो दीज आर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच वी हैव डिस्कस। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। सो आज की क्लास में हमने कुछ इंटरनेशनल समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि UNGA declares 6th World Rural Development Day। उसके साथ साथ हमने देखा IATA announced theme for 2024 World Safety and Operation Conference। US government to partner with IIT Madras, IIT Madras के साथ US government ने partnership किए, जिसमें वो SCGH EVs and batteries and GBs के लिए basically काम करेंगे। नेशनल में हमने देखा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को भी 5 साल कंप्लीट हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। अब 70 वर्ष से ऊपर के लोग भी आयुष्मान भारत के तहत क्या करा पाएंगे, स्वास्थ्य कवरेज बीमा करा पाएंगे। उसके साथ साथ स्वच्छ सेवा 2024, भारत ने स्वच्छता के एक दशक का जश्न मनाया।
मत्स्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पहचान बेसिकली स्टार्ट की गई और बायो E3 पॉलिसी स्टार्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। मिशन मोशन के लिए कैबिनेट ने 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमने देखा SBI ने 3 न्यू ऑफर लॉन्च किए हैं इजी पेमेंट फॉर कम्यूटर्स के लिए। डिफेंस में हमने देखा युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में राजस्थान में कंडक्ट होगा। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 240 एरो इंजन के लिए हॉल के साथ 26,000 करोड़ रुपए का अनुबंधन साइन किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा नीबे लिमिट की सहायक कंपनी का भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वो स्थापित करेंगे और उसके साथ साथ अदरक की 6 नई प्रजातियां पश्चिम बंगाल मेघालय और मिजोरम में पाई गई हैं। ओलंपिक्स में हमने देखा विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान की प्रेरणा के लिए नए 2 चेहरे लाए गए हैं जो पैरा ओलंपिक में बेसिकली कांस्य पदक जीत चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेज में 15th हिमालय दिवस, शिक्षा पर हमला से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 जो 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। उसके साथ साथ राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 के बारे में हमने डिस्कस किया और सुशील कुमार सिंधे की बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। अपॉइंटमेंट से अगर हम बात करें तो होम मिनिस्टर बेसिकली अमित शाह को अभी पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है और अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं वो हैं मनीष कुमार गुप्ता। रैंक एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो नेपाल 101वां कंट्री बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और भारत सेकेंड एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन नागरी उड्डयन पर बेसिकली एक कमेटी या बेसिकली इस मीटिंग को होस्ट करेगा। अरुणा वासुदेव का निधन हो गया और उसके साथ साथ राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2024 अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2024 अभी डिक्लेयर किए गए। क्लियर, तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज विच वी हैव डिस्कस। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।